के लिए आपने क्या घूमना है? देखिए माननीय मंत्रिमंडल की एक उप समिति की आज बैठक थी, जिसमें मोबाइल अपर मुख्य सचिव खनन और निदेशक खनन भी आए थे, और उसमें जो जिस बिंदु पर उप समिति का गठन किया गया था, जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन चूंकि इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय में त्रिलोक चंद वर्थेद स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स पर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल भी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, उन डायरेक्शंस का हम लोग अभी गहन परीक्षण करने के बाद भी इस मामले में कोई निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शंस को हमें 4 हफ्ते के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में सरकार को अपनी स्टडी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो माननीय उच्च न्यायालय में स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इस पिटिशन पर माननीय उच्च न्यायालय क्या डायरेक्शन होते हैं उसको संज्ञान में लेते भी उप समिति अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपेगी। सर, जल संस्थान और पेयजल निगम को लेकर के समिति बनाई गई, जिसका आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या किस तरीके से करेंगे सर एकीकरण को लेकर? देखिए उप समिति में मेरी अध्यक्षता में समिति बनी है, जिसमें अब मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और सचिव जल निगम पेयजल, इन चारों को उसने तो शीघ्र ही मैं इसकी बैठक बुला करके इसके विस्तृत पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसको क्या निर्णय सरकार का होना चाहिए और इसमें क्या क्या व्यवहारिक कमियां हैं या व्यवहारिक में व्यवहारिकता के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से निर्णय लिया जाए। तो सर एकीकरण का जो फैसला है अंतिम कब तक? देखिए एकीकरण में किसी का कोई मतभेद नहीं है, राज्य हित में एकीकरण किया जाना आवश्यक भी है। उसमें कुछ बिंदु हैं जिन पर मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वानुमति नहीं बन पाई थी, जिस कारण ये उप समिति का गठन करने के बाद उप समिति को भेजा गया। उप समिति की जल्दी बैठक बुलाकर उस पर निर्णय अपनी रिकमेंडेशन देंगे मंत्रिमंडल को।